संसद का शीतकालीन सत्र आज से, विपक्ष ने कहा आर्थिक मंदी, किसानों, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। शीतकालीन सत्र से पहले हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोगियों से कहा हमारा परिवार बड़ा है, छोटे मोटे मतभेदों से ये बिखरना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार की कवायद अंतिम चरण में, सरकार के गठन को लेकर आज दिल्ली में सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच मुलाकात। संजय राउत बोले दिसंबर तक बन जाएगी तीनों पार्टियों की सरकार। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा, कहा हमें दूसरी जमीन मंजूर नहीं। जेएनयू में बढ़ी फीस को लेकर टकराव जारी, आज संसद तक मार्च निकालेगा छात्र संघ। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे रजत शर्मा, लोकपाल ने इस्तीफा खारिज किया। और श्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव गोटाभाया राजपक्षा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता, शपथ ग्रहण आज।